सबसे अच्छी और सबसे सस्ती खिदमत देने के बावजूद हम आपके लिए एक हेल्थ कार्ड लाए हैं, जिससे आप सभी तरह की जांचों पर 20% छूट पाने के साथ साथ दवाओं पर भी 20% तक की छूट पाएंगे। आज ही रब्ता करें नेपियर रोड अलमास मैरिज हॉल के पास वी केयर पॉली क्लिनिक डायग्नोस्टिक एंड फार्मेसी। मैं हूं आलम रिजवी और आप देख रहे हैं अवधनामा न्यूज। अवधनामा न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। पेश है आज की मुख्य खबरें। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर सियासत तेज, ईएमए की बैठक पर टिकी यूरोपीय देशों की नजर। 12 राज्यों में 14 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, 17 अप्रैल को होगी वोटिंग। गर्भपात की समय सीमा बढ़ाने का विधेयक राज्यसभा में पास, मौजूदा 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते की गई अबॉर्शन सीमा समय। शुभेंदु अधिकारी का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। भाजपा ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को 18 मार्च को सदन में उपस्थित रहने और सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए 3 लाइन वेव जारी किया। गृह मंत्रालय ने कहा पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकी घटनाओं व घुसपैठ में आई कमी, गोलीबारी बढ़ी। बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार मंत्री ने स्पीकर को दी झिड़की, हंगामे के बीच घंटों ठप रही कार्यवाही। निर्मला सीतारमन ने राहुल गांधी को दिया करारा जवाब, कहा यूपीए कॉल में हुआ भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण। पंजाब में किसान केंद्र सरकार के सीधे पेमेंट के फैसले से खुश, बेचैन आरती बनाएंगे नई रणनीति। सरकार ने घाटे से जूझ रही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मदद से किया इनकार, बीएसएनएल को 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन नहीं। यमन में युद्ध के हालात चिंताजनक, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जताई चिंता। अमेरिका में 3 स्पर्शेंटों में फायरिंग, 4 एशियाई महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत। आईसीसी T20 रैंकिंग में विराट कोहली ने मारी छलांग, केएल राहुल खिसके नीचे। केएल राहुल के फ्लॉप शो पर विराट कोहली का जवाब, मेरे जैसा ही चल रहा है उनका फॉर्म। प्रियंका चोपड़ा ने विदेशी पत्रकार की उड़ा दी धज्जियां, ऑस्कर नॉमिनेशन की घोषणा करने पर एक्ट्रेस को किया था ट्रोल। अभिषेक बच्चन के धासु डायलॉग के साथ रिलीज हुआ द बिग बॉल का मोशन पोस्टर। अवधनामा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना।